स्वागत है आप सभी का पब्लिक फर्स्ट में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। फिरोजाबाद के नगर निगम वार्ड संख्या 48 में आज पब्लिक फर्स्ट की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने पहुंची, जहां बेबाक अंदाज में महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर बात कही और पब्लिक फर्स्ट चैनल पर क्षेत्रीय समस्याओं की मांग रखी। जब हमारी टीम ने क्षेत्रीय लोगों से समस्या जानी तो उनका कहना है कि जो प्रतिनिधि शिक्षा, सड़क और पानी की समस्याओं को गंभीरता से देखेगा, हमारा वोट भी उन्हीं को जाएगा। वहीं फिरोजाबाद में प्रत्याशी से ज्यादा पीएम मोदी के चेहरे का जादू छाया हुआ है। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं देश में चल रही हैं, उससे क्षेत्रीय लोग काफी खुश नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा सांसद से लोग नाखुश हैं। तो चलिए जानते हैं पब्लिक फर्स्ट से फिरोजाबाद की पब्लिक ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश बघेल और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट न्यूज़। और लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का क्या है मूड, इसमें लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फिरोजाबाद के कई क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे हैं। आज हम फिरोजाबाद के थाना लाइनपार क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की इनकी तैयारी है, किस तरह का ये प्रत्याशी चुनना चाहते हैं और किस तरह की इनकी क्षेत्रीय समस्याएँ हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार बंसल। अजय जी, लोकसभा चुनाव है नजदीक, अभी तक देखा जा रहा है कि पार्टी ने प्रत्याशी भी बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, नहीं किया। विपक्ष भी लगातार अपनी दमखम से, किस तरह का प्रत्याशी इस बार चाहते हैं? प्रत्याशी ऐसा हो जो अपने काम करे। पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, चंद्रसेन यादव जी खड़े हुए थे कि उन्होंने फिरोजाबाद के लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसा प्रत्याशी हो कि फिरोजाबाद के लिए कुछ करे। अच्छा, देखा जा रहा है कि मोदी सरकार अपने कार्य के लिए जानी जा रही है, इधर विपक्ष भी लगातार हमलावर है, क्या मानते हैं किस पार्टी को इस बार चुनना पसंद करेंगे? भाई वोट तो बीजेपी को जाएंगे हम। किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए आपके हिसाब से? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी काम वाला होना चाहिए, बिल्कुल। कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट देंगे, सांसद को लेकर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय हर जगह हम दौरा कर रहे हैं, लगातार यही निकल के आता है कि उनकी गैर हाजिरी की नाराजगी हर समय जनता में देखी जाती है। हमारे साथ एक बाबूजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन जी, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए इस बार? तो क्षेत्रीय होना चाहिए जो हमारी बात सुन सके। यहाँ पर ज़्यादातर फिरोजाबाद जिले के ये जादौन जी ही थे जो यहाँ के थे, बाकी तो बाहर से ही आते हैं प्रत्याशी। क्या मानना है कि फिरोजाबाद में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिलता पार्टियों को? जो पता नहीं, हर प्रत्याशी, हर पार्टी बाहर से ही प्रत्याशी लाती है हमारे ऊपर। हम तो चलो बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम मोदी जी को वोट करते हैं। मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर पे वोट, मोदी को ही वोट देते हैं। प्रत्याशी तो हमारे लिए थोप दिया जाता है, क्षेत्र का विकास करे। और एक हमारे यहाँ हमारी नज़र में एक समस्या है कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका इलाज बहुत महंगा पड़ता है और उसके बाद भी उसको आगरा रेफर कर देते हैं। यहाँ इतनी कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और मनमाने ढंग से प्राइवेट नर्सिंग होम वाले पैसे वसूलते हैं। ये समस्या पे अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्र की लोगों की जो समस्या है वो हमेशा देखी जाती है कि शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। कहीं भी हमारे साथ महिलाएं हैं, कुछ इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा शर्मा। प्रतीक्षा जी, किस तरह का प्रत्याशी इस बार लोकसभा चुनाव में चुनना पसंद करेंगे? वही जो क्षेत्रीय स्तर पर अधिक से अधिक काम करे। राज्य स्तर पर तो काम सही हो रहा है, ज़्यादातर लोग लखनऊ पर डिपेंड होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि फिरोजाबाद से हमें क्या मिला तो यहाँ नामुमकिन सा लगता है कि यहाँ काम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की राय है वो कहीं ना कहीं यही है कि क्षेत्रीय लोग होने चाहिए। मैडम से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरिमा वशिष्ठ है। मधुरिमा जी, किस तरह का प्रत्याशी इस बार चुनना पसंद करेंगे, किस पार्टी को चुनना पसंद करेंगे? देखिए, पार्टी तो अपनी जगह है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की अखंडता के लिए एक स्थिर सरकार हो और हमारी यहाँ का सब प्रत्याशी जो भी हो वो एक क्षेत्रीय हो, जो कि जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि जो हमारी समस्याओं को सुने और समझे। बाहर का प्रत्याशी बाहर का होता है, वो कम समय दे पाता है, तो हमारी तो प्रशासन से यही ऊपर से डिमांड है कि जो आप स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ पे मौका दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की जो जनता है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रत्याशी हर पार्टी से डिमांड कर रही है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को इस बार चुनने की कयामत में लगी हुई है। और भी महिलाएं से बात करें, क्या नाम है आपका? रश्मि अग्रवाल। रश्मि जी, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? वही सबसे पहली बात तो ये कि प्रत्याशी अवसरवादी नहीं होना चाहिए जो वोट ले पलायन कर जाए। प्रत्याशी शिक्षित और समझदार होना चाहिए, लोगों की जरूरतों को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, समस्याओं का समाधान कर सके, महिलाओं के उत्थान के लिए सोच सके, शिक्षा के स्तर को सुधार सके, बाकी जो विकास कार्य को आगे बढ़ा सके। हमारी जो जात पात से परे हो करके जैसे कि हमारी आवश्यकता। नाम उमेश चंद शर्मा। लोकसभा चुनाव नजदीक, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? देखो,
जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है तो सबसे पहले भौगोलिक पृष्ठभूमि फिरोजाबाद की देखनी चाहिए कि फिरोजाबाद लघु कुटीर उद्योग पर आधारित जिला है और यहाँ लाखों संख्या में मजदूर तबका काम करता है। तो पहला तो यह है कि प्रत्याशी जो भी आए लोकल बॉडी का आए, क्योंकि लोकल बॉडी वाला ही व्यक्ति वहाँ की समस्याएं जानता है और जानने के बाद में जुझारू होना चाहिए, चाहे वो पीएम हो और चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, क्योंकि पब्लिक के वोट से चुनकर जाता है तो पब्लिक की आवाज़ को संसद के अंदर बुलंदी से रखना चाहिए और यहाँ के लघु कुटीर उद्योग के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। कभी फिरोजाबाद का गिलास धक्का मार के बिकता था और आज उसकी पोजीशन ये है कि फिरोजाबाद के कांच को पूछने वाला कोई नहीं है। पिछली बार फिरोजाबाद की पब्लिक ने बदलाव किया था। जी हाँ, बीजेपी के सांसद चंदन जादौन जी जीते थे। जी जी जी, किस तो, तरह का कार्यकाल रहा उनका, क्या देखते हैं उनके कार्यकाल में? मोदी जी को संख्या बल चाहिए, उनको ये नहीं है कि सांसद कैसा है, वहाँ उनके मिनिस्टरों तक की तो औकात नहीं है मोदी जी के आगे। राजनाथ सिंह गौड़ हैं, नितिन गडकरी गौड़ हैं, जनसभाओं में जाके जरूर बोल लेते हैं लेकिन सामने नहीं, संसद में आवाज नहीं उठा सकते। जो बोलेंगे मोदी जी बोलेंगे, तो ऐसे सांसदों का चुनने से फायदा क्या है? क्या मानते हैं किस तरह के सांसद? जुझारू होना चाहिए अपने जिले की, संसदीय क्षेत्र की, जो मुख्य जरूरतें हैं उनकी आवाज संसद के अंदर बुलंद करनी चाहिए और लड़ झगड़ के वहां से पब्लिक हित के लिए चीजें लेके आनी चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ओमलता सिंह। लोकसभा चुनाव नजदीकी, किस तरीके का प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे इस बार? ऐसा हो जो हमारे भाई पूरे हमारी जो फिरोजाबाद की सफाई और जो महंगाई है उस पर काम करें, और जहाँ जो भाई पार्क वगैरह है वो जो सफाई सड़कें हैं और जो पानी की व्यवस्था है ये अभी बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छी नहीं, सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से चल रही है। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ा जाए तो बहुत अच्छी है सरकार बीजेपी की। ऐसा नहीं, बीजेपी की सरकार किस तरीके का कार्य किया है? कार्य तो अच्छे ही किया है, बहुत सारे काम हैं, जैसे 3 तलाक पर किया उन्होंने, 273 हटाई, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कार तो बहुत अच्छा कर रही है, पर कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। महंगाई और ये सब चीज़ तो अब ये तो सब चलती रहते हैं, लेकिन अच्छी है। क्या बदलाव करना चाहेंगे? बदलाव हमारा यही है कि थोड़ी जो नौजवान हैं उनको जॉब मिले और जो गरीब तबके के मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी कुछ करे सरकार। प्रत्याशी शिक्षित और समझदार होना चाहिए, जिससे वो लोगों की समस्या को समझ सके, समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सके। सेकेंडली, जो महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, उस पर थोड़ा विचार कर सके। शिक्षा का स्तर वैसे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ रहा, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शिक्षा में भी महंगाई इस तरह से हो गई है जैसे कि वो किराने की दुकान पर महंगाई बढ़ रही है, ऐसी शिक्षा पे आए दिन दे दुकानें ऐसी लग गई हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो थोड़ा मजदूर वर्ग के बच्चे हैं या जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो थोड़ा परेशान रहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। आवश्यकता है जल, सड़क, बिजली, ऐसी सुविधाओं को सुलभ करा सके। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर फिरोजाबाद में काम करता नजर आता है? हाँ, काम कर रहा है। ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मोदी फैक्टर पे वोट इस बार दिया जा रहा है, क्या मानना है आपका? ये बात अपनी जगह ठीक है कि मोदी फैक्टर पर वोट ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन हम किसी एक से सहमत नहीं है। वो तो जो कार्य करेगा, वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये डिपेंड करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों का बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षित और गुणवान प्रत्याशी फिरोजाबाद को मिलना चाहिए। और भी महिलाएं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनम ठाकुर। सोनम जी, किस तरह के प्रत्याशी इस बार चुनेंगी लोकसभा चुनाव में? बस यही है, सब अच्छा होना चाहिए और बस फिरोजाबाद के लिए, और बस गरीब लोगों की थोड़ी मदद होनी चाहिए बस।
बिल्कुल कहीं ना कहीं, क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के लिए ये जाना जाता है, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग इसमें बड़े तकबे में है और कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई है, जिसको लेकर हमेशा हम सवाल करते हैं। हमारे साथ एक युवा भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? निखिल वशिष्ठ। निखिल जी, युवा पीढ़ी इस बार किस तरह का मन बना रही है? मन तो काफ़ी सारा सब लोगों का भाजपा के साथ ही है, मगर कुछ क्या है यहाँ पे, एक तो क्या है भाजपा का टिकट का ओपनिंग नहीं हो पा रहा है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। आज देखा जा रहा है नामांकन भी आज से शुरू हो गए, नामांकन भी शुरू हो गए, बहुत अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ, फाइनल कुछ नहीं हुआ है और टाइम भी यहाँ पे कम है। अब जैसे प्रचार करेंगे नहीं तो फिर वोट कैसे मिलेगा, और यहाँ से प्रत्याशी यहाँ से भाजपा का मुश्किल है। समाजवादी पार्टी भी अब क्या एक हो गई है, पिछली बार फायदा मिला था चाचा की वजह से, पिछली बार क्या लगता है आपको? इस बार सर टक्कर की हुआ है और अक्षय जी का स्कोप अच्छा है, बोलना चाहिए कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर भी तो यहाँ पे हमेशा प्रभाव तो है, मोदी जी का फैक्टर तो है, बट वो है कि जो कुछ प्रत्याशी की छब होती है ना वो यहाँ कमजोर पड़नी है, प्रत्याशी की छब बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फिरोजाबाद का भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग असमंजस की स्थिति में है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? प्रहलाद गौर। गौर जी, क्या लगता है किस तरह का मन है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, वोट तो मोदी जी को ही देते हैं, हम प्रत्याशी को नहीं देते, मगर यहाँ जैसे मजदूरों का शहर है, मजदूरों की कोई कहीं सुनी नहीं जाती है किसी तरीके से बिल्कुल भी, तो वोट तो मोदी जी को ही देना है, हम कोई मतलब ही नहीं। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए आपके? प्रत्याशी केजरीवाल जैसा ईमानदार लाइए, कट्टर ऐसा ईमानदार कट्टर है जो केजरीवाल है, वो तो जेल में है। हाँ तो वो भी जेल चला जाएगा बाद में, ईमानदार है ना वो, ईमानदारी की वजह से जेल, ईमानदारी की वजह से जेल में, तो इतना ही ईमानदार लाओ ना यहाँ। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो जनता का ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रत्याशी की लगातार मांग हो रही है, हम लगातार दौरा कर रहे हैं और जान रहे हैं लोगों से कि किस तरह का काम अब तक किया गया है। हमारे साथ और भी एक भाई हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन सिंह सैनी। अर्जुन सिंह जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, नामांकन भी आज से शुरू हो गए हैं, क्या लगता है इस बार किस तरह का मूड है जनता का? जनता का तो बीजेपी के साथ है, मोदी फैक्टर पे ही वोट पड़ेंगे, मोदी फैक्टर पे वोट पड़ेंगे बिल्कुल। विपक्ष तो कह रहा है कि हम दमदारी से इस बार लड़ रहे हैं। नहीं कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी ने जो देश में विकास कराया, हमारा फिरोजाबाद की बात अलग है, करिए मजदूरी क्षेत्र है, इसमें भी होगा कोई अच्छा ऐसा प्रत्याशी हो यहाँ पे जो गरीबों की सुन सके, तो उसके लिए भी है, लेकिन यहाँ फेस वैल्यू मोदी जी की देखी जाएगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की जो पब्लिक है वो साफ तौर पर साफ कह रही है कि जो फिरोजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग होती है वो मोदी फैक्टर पे होती है प्रत्याशी को लेकर, लेकिन इस बार उनकी मांग है कि कहीं क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए जो फिरोजाबाद का भी विकास करा सके। अपने सहयोगी मोहित के साथ मुकेश कुमार बघेल, पब्लिक फर्स्ट न्यूज फिरोजाबाद। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। नमस्कार। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।